सारी ये झाड़ियों के नीचे था और इस पे उन्होंने काला कपड़ा डाला हुआ था और लिखा हुआ था कि कोई ना बैठे। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 साउंड ओके। यू आर ऑन शगुफ्ता इजाज़ चैनल राइट नाउ एंड आप देख रहे हैं शगुफ्ता इजाज़ का यूट्यूब चैनल। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू तो वही पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू तुझ का रुख करे मेरा साया साथ होगा तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा मेरा साया मेरा साया। हीरोइन नंबर वन हीरोइन नंबर वन हीरोइन नंबर वन हीरोइन नंबर वन। अच्छा मैं कहूँ मुझे पता नहीं कौन सा नंबर वन बोल रही है मैंने आगे नहीं सुना था। आपको मैं 360 व्यू दूँ? ओह गोड़ा ना मेरा लग गया थे 360 आए चक्कर आ गया मुझे 360 किधर उल्टी ना पड़ी हो। मैं आपको ये बता रही हूँ जिस झूले पे आप बैठे हैं हॉन्टेड है। ना कर यार सच बता रही हूँ ये झाड़ियों के नीचे था और इस पे उन्होंने काला कपड़ा डाला हुआ था और लिखा हुआ था कि कोई ना बैठे। बकवास ना कर सच पूछ ले नौवीं भाई से पूछ ले। इसीलिए मुझे उल्टी शुरू हो गई है अब उठ जाए नौजिया हो रहा है मुझे नहीं इसको झूला देने से हुआ है इसकी फजूल बातों नहीं नहीं इस पे नहीं बोल रही नौवीं भाई ने बोला कि तो उन्होंने निकाला क्यों झूला फिर उस पे फिर मुझे क्यों बिठाया क्योंकि वो घर में पड़ा हुआ था तो उनको मसला ये दुश्मन की चाल है ये डरा रही है आपको और कुछ भी नहीं नौमी भाई से बैठना चाहती है। मैं नहीं बैठूंगी नौमी भाई से पूछ ले झाड़ियों के नीचे सच में कुछ है। नौमी कौन है? नुमान डीओ भी वो नुमान डीओ वे नुमान वालेकुम अस्सलाम। सुना है आप सैलाब जदगान का राशन चुरा के भागे? जी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मना नहीं था हमने कुछ दिए डीओपी के लिए तो कुछ है ही नहीं। आप लोग क्या कर रहे हैं भाई सैलाब जदगान के लिए किसी ने कुछ किया है? बिल्कुल मैम हमने तो डोनेशन किए बिल्कुल। शाबाश आप लोगों ने क्या किया? ये सुनते ही नुज़्ज़त जो है वो 9-2-11 हो गई है। नहीं मैं जो करती हूँ वो बताती नहीं और जो फिर हो जाता है तो फिर सामने खुद ही आ जाता है। अच्छा माशाल्लाह ये भी ठीक है। खाना कर दो हमें और क्रॉस करो क्रॉस करो और। अच्छा सुनो नुमान जी आप ये झूले पे कुछ था? झूले पे आपको बिठा के शॉर्ट करना है? नहीं शॉर्ट तो कर रहे हैं वो कह रही है वो हॉन्टेड है झूला रिंगिंग लगेगी बताने के लिए किया था। सही बताओ एक गिफ्ट टेप इधर रख दो एक गिफ्ट टेप बैटरी थी हमने बोला नहीं या कुछ पैकिंग दो इसकी हॉन्टेड है आप ऊपर आ जाए और ये ऊपर आ गई काम करना शुरू कर। हाँ लेकिन यहाँ तो अमरूद इतना नीचे लगा हुआ मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा कहीं वो हमें अट्रैक्ट करने के लिए तो नहीं है कि कोई तोड़े और उस पर हम चढ़ जाए इसीलिए मैंने बहुत टाइम हो रही थी मैंने तोड़ा नहीं अमरूद। हमें धूप में बिठा के खुद साए में बैठे हो कैसे खुद गर्ज हो। मैंने इन सबको कहा कि आपा की चेयर जो है इधर छांव में दो पर वो आपका जो है वो मेरा साया नहीं खत्म हो रहा था वहाँ धूप में बैठ के झूले में डरा दिया मुझे इस सलवा की बच्ची ने। सीओ बननी चाहिए कि मैं धूप से भाग रही हूँ और मेरी कुर्सी धूप में रखा जा रहा है। पकौड़ों का मसाला है ये कसम का खुशबू देखे उबटन है अभी पैकेट खुला है। कौन सा उबटन शान वालों का? नहीं शान वालों का नहीं मुझे भी यही लग रहा है इसमें प्याज डाल के पकौड़े तल सकते हैं है ना उबटन में बेसन डलता है साए में आ जाओ। हाँ पंखे का मुंह मेरी तरफ कर दो काशिफ को क्या जरूरत है पंखे की।
ठीक है भाई, धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखे का क्यों शॉर्ट ले रही हूँ मैं? ये ऊपर शहद की मक्खियाँ? हाँ जी, सब्ज़ा तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। ये हमारे ऑडियो वाले हैं कि अगर कोई भी ऑडियो का मसला हो तो इनसे पूछ गछ होगी, इसीलिए इतने कमज़ोर भी हैं ये। इसका मतलब बहुत सारे मसले हुए हैं ऑडियो के इनकी ज़िंदगी में। ये लाइट आप देख रहे हैं कि इतनी गर्मी होती है इस लाइट की, इसको एचएमआई कहते हैं। हम शूट कर रहे हैं हम टीवी की एक टेली फिल्म, इसमें मेरे साथ हैं नीलम मुनीर प्यारी, सबा फैसल प्यारी और अजफर रहमान, बहुत ही प्यारा मेरा भाई, और साथ में हमारे हैं बेसिकली तो यही चार कैरेक्टर्स हैं जिनसे हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन है, और अजफर रहमान और नीलम मुनीर की ये कहानी है। मगर मज़े की सिचुएशन है, कॉमेडी टेली फिल्म है, और मैं बड़े डिफरेंट अंदाज में बोली हूँ इसमें। टोन मैंने अपनी ये रखी है कि बहुत ही मेटिकुलस सी माँ है जो हर वक्त कंसर्न रहती है कि उसकी स्किन केयर हो और मास्क लगा हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आज मैंने जो गेटअप है मेरा, ये एक टेलीफिल्म में एक कैरेक्टर के लिए है। दिस टेलीफिल्म इज़ फॉर हम। मैंने देखा है कि आप लोग मेरी BTS जो वीडियोस हैं उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, एंड यू वांट टू सी कि जो एडिटेड और फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने आता है व्हाट इज़ बिहाइंड दैट। तो अभी मैं रास्ते में हूँ, हम जा रहे हैं क्लिफ्टन के किसी रेस्टोरेंट में शूट करने इस टेलीफिल्म की। आज मेरी आउटडोर है और वहाँ पे बाकी एक्टर्स वेट कर रहे हैं, कास्ट में हैं नीलम मुनीर, अजफर रहमान, सबा फैसल एंड बाकी भी ऑफिस के कुछ इधर उधर के कैरेक्टर्स होंगे, बट मेन कास्ट यही है। डायरेक्टर इसके हैं काशिफ सलीम, और टेलीफिल्म है हम के लिए, और प्रोड्यूस भी काशिफ सलीम कर रहे हैं, एंड सोर्स जो है वो हम टीवी पे आप देखेंगे। और दूसरा बबाल आप देख रहे हैं, बबाल कैसा लग रहा है? मैंने आपसे उसके भी BTS शेयर किए थे, एंड हम बस पहुंचने वाले हैं लोकेशन पे और आपसे काफ़ी सारे एक्टर्स से की मुलाकात कराती हूँ जो जो वहाँ पे हैं, डायरेक्टर एंड हमारी जो कास्ट है उनसे आप मिलें और बस घर बैठे मुलाकात करें, ये कमाल होता है। सी यू। बारबेक्यू टुनाइट के सामने जहाँ अलफता है ना, उस तरफ जाना है, वो जो सामने है ना लाल रंग की दुकानें, और वो उस तरफ जाना है शायद, इधर ही कहा था ना उन्होंने। इधर कोई कैफे राउंड अबाउट करना, हाँ राउंड अबाउट करके इधर चले जाएं, जो वाइट बिल्डिंग्स हैं इधर, ये सामने, हाँ इधर जाना। मिशेल का पंप है, माय बैड, आई गॉट द लोकेशन रॉन्ग। अब हम जा रहे हैं दूसरी तरफ, एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड देम कि वो कहाँ शूट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो सुबह से निकले हुए हैं, सुबह से शूट कर रहे हैं, एंड वी वर टू जॉइन देम। अब हम जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कहीं करीब ही होंगे। ये मेरे कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं, ये शूट के कपड़े हम साथ लेके जाते हैं अपने। बल्कि उस दिन तो मेरे साथ एक अजीब किस्सा हुआ कि मुझे एक शूट से दूसरी शूट पे जाना था, एंड आई सडनली रियलाइज्ड कि मेरे पास तो कपड़े नहीं हैं, और बिकॉज़ जिस शूट पर मैं थी वहाँ पर एक ही ड्रेस चाहिए होता है। तो उसके बाद जब मैं वहाँ से निकली और मैंने कहा अगर मैं घर गई और मैंने कपड़े लिए तो बहुत लेट हो जाऊँगी, तो आई कॉल्ड देम, मैंने कहा कपड़े चाहिए, और दे सेड हाँ चाहिए। फिर मैं यहाँ आई क्योंकि ये उन दोनों रास्तों के बीच में था, और यहाँ से मैंने अपना वार्डरोब लिया, ये वाले कुछ इसमें से भी कुछ कपड़े हैं। फिर मैं भागी उस लोकेशन पर और हमने काफ़ी देर तक शूट किया वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी ड्रेसेस चाहिए थे, इसी की शूट थी। तो आपने वह हल्का संदा जाना है, झाँकना है,
तो ऑलरेडी कैमरे में आपका करेक्टर भी है कि आपने देखा है दोनों को चाय पीते हुए, हाँ। और फिर पीछे चुपचाप चल जाइएगा, फिर मोबाइल निकालिएगा, तस्वीर खींचिएगा, ये रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा, बगैर बताए आप शॉट भी दे देंगे। शाबाश, ये चीज की है ना तुमने पहली दफा जिंदगी में काम। वालेकुम अस्सलाम, ये कहाँ से ढूंढी है इतनी छुपी घुमी जगह। जल्दी से मंगाओ मुर्ग मसाला। वैशा वशे, वालेकुम अस्सलाम। मैंने तो यही से झांकना था तुम लोगों को। आ जा, हाँ मैं यही पहनूंगी, फिर उसके बाद जब दूसरी लोकेशन पे जाएंगे तो फिर तुम किसके कपड़े इस्त्री कर रहे हो। ईश्वर बशे, चलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3, साउंड ओके, ओके साउंड, साउंड ओके। Hello everybody, you are on Shagufta Ijaz's channel right now. Subscribe and hit the bell icon. Hello everyone, आप देख रहे हैं Shagufta Ijaz का YouTube channel. अभी इसी वक्त comment कीजिए, like कीजिए और subscribe कीजिए. जी तो मेरा शॉट हो गया है, अब हम वेट कर रहे हैं ये प्यारे से कमरे में, इट लुक्स लाइक अ फेरी रूम, और यहाँ हम वेट कर रहे हैं कि हम अगला शॉट कब करेंगे, और बाहर वो लोग अभी उसके सीन्स के जो बाकी पोर्शंस हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं आपको कुछ ऑडियो इसलिए नहीं सुनवा सकती कहीं स्टोरी रिवील ना हो जाए प्ले रिलीज़ होने से पहले, इसलिए एक सस्पेंस रहना चाहिए ना, तो आप बस ये देखिएगा प्ले और आपको मज़ा आएगा बहुत। इसमें मैंने बहुत डिफरेंट कैरेक्टर की, अपनी टोन भी डिफरेंट रखी है, एंड कास्ट भी बहुत अच्छी है, डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, चैनल भी बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं, बस इसी तरह से एक फैमिली बन के हम रहें और एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहें। मैं अच्छी अच्छी चीज़ें पोस्ट करती रहूँ, आप लोग अप्रिशिएट करते रहें और मेरा दिल बड़ा करते रहें, सब्सक्राइब करते रहे मेरे चैनल को, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। ये जी वहाँ पे शूट की तैयारी हो रही है, गाड़ी के शॉट्स हैं, मैं इधर गाड़ी में बैठी हुई हूँ, और इस तरह से सिर्फ एक बंदे का काम नहीं होता, बहुत से लोगों की टीम इन्वॉल्व होती है। हम लोग पिछले कोई एक घंटे से शॉट के लिए रेडी हैं, ये हमारे कैमरामैन हैं, ये सारी टीम है, वेट कर रहे हैं, वो अजफर और हमारे डायरेक्टर हैं, नीलम भी रेडी है, और बस ये ऑरेंज गाड़ी और वाइट गाड़ी इनके शॉट्स हैं। अब हम ऑलमोस्ट रेडी हैं और जैसे ही सबा आएंगी हम अपना शॉट शुरू करेंगे। यार तुम कपड़े हैंग हुए भी थे, मतलब कंफर्म कर रहा हूं एक मतलब कपड़े हैंग हुए हुए थे, बैग नहीं था मेरा, बैग कुछ छूट गया, खुदा ना खासा तो फंस गया। क्या हो गया बेटा, आपकी डायमंड की रिंग है, रंग से पीला हुआ है, नजर भी नहीं आ रहा पीला हुआ है कि पीला हुआ है, क्या हुआ, कपड़े मेरे सारे गाड़ी में, चार लोग आपसे कपड़ों का पूछने आएंगे, चार लोग, आई नो जी, आ जाए नीचे जा रहे हैं हम, बिल्कुल नीचे आ रहे हैं। अब हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जा रहे हैं, इनका सीन हो गया है, जी हां, एंड वी आर ऑफ टू अनदर लोकेशन। अच्छा फनी होंगे आपके जो वो होंगी, फनी होंगी थोड़ी सी, फनी फनी सी होंगी, अच्छा, थोड़ी सीरियस थोड़ी फनी, हां चले। थोड़ा सरप्राइज ली भी आपा, हाँ
तौबा तौबा जी जोर से ये बजा क्या रहे हैं धुन तो बताएं एतमाद में तो ले हमें हैं कौन सी धुन है कौन सी धुन है मुबारक आज का दिन अच्छा आपने कहाँ से सीखा था ड्रम बजाना यहीं से सीखा है जी कहाँ से यही दुकान से ही सीखा है कितने अरसे में सीखा है ज़्यादा नहीं 20 महीने हो गए 20 महीने जी यानी 1.5 साल और उससे पहले क्या करते थे आप उससे पहले तो हम ऐसी मजदूरी करते थे ये घर बार बनाना जी तो ये घर बनाना और बाजे का क्या मुकाबला है अभी वो छोड़ दिया अभी ये फॉल टाइम पे आपको कितना अरसा हो गया मेरे को 2 साल दो साल आपको मेरे को तकरीबन 18 साल 18 साल तो फिर आपसे तो ये बज ही नहीं रहा इसकी क्या बाजा खराब है या क्या मसला नहीं तो पहले बताया नहीं ना किस तरीके से आना है उन्होंने बोला 3 आइटम लिया बजाना कुछ भी नहीं तो जो आइटम आपको आते हैं वो बजा दें बजा रहे था जो आ रहा है बजा रहे हाँ जो आ रहा है वो बजा रहे कोई ऐसी मजबूरी थोड़ी ठीक है बजा के दिखाएं कौन सा बजाएंगे शादी ब्याह हाँ शादी ब्याह वाले दोबारा बजाएं Thank you.